Welcome to Business Communication and Presentation Skills video lecture in Hindi. This is designed for LDRP-ITR and VSITR College of Kadi Sarva Vishwavidyalaya for the students of Semester 1 and Semester 2. Today, we will be completing Chapter 9, Employment Communication, where our focus would be on letter writing. So let's begin. We had the part 1 of chapter 1, and in part 1 of chapter 9 we covered purpose of business letter, parts of letter and characteristics of letter. And today we are moving ahead with part 2, and in part 2 we are going to focus again on letter writing. And the first one that we are going to talk about is why cover letter is important. Now, it has got immediate value. First impression counts. हम जानते हैं कि first impression counts. आप लोगों ने experience भी किया होगा. एक संक्षिप्त और ठोस कवर पत्र आपके लिए कड़ी स्पर्धा के बीच में एक मजबूत उम्मीदवार बनने का मौका देता है. जी हाँ, एक मजबूत उम्मीदवार बनने का मौका देता है. अपनी प्रमुख शक्तियों पर तुरंत जोर देने से आपको सिलेक्शन प्रोसेस में मदद मिलती है. मतलब आपके पास अगर स्किल्स हैं तो वो आपका इमीडिएट वैल्यू हो सकता है. दूसरा है यूनिक फिट. कवर लेटर एक महत्वपूर्ण तरीका है जो आपके कौशल यानी कि स्किल्स और अनुभव का यूनिक मतलब अनूठा कॉम्बिनेशन से जॉब रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन को पूरा करता है या तो कर सकता है. पर्सनालिटी, आप सोच रहे होंगे पर्सनालिटी. हाँ जी, पर्सनालिटी. आपके कवर पत्र का शब्दांकन आपके व्यक्तित्व को इस तरह व्यक्त कर सकता है जो आपके रिज्यूमे नहीं कर सकता. आपके पत्र का टोन आपके व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण इनसाइट देता है जो उनकी टीम में मूल्य मतलब उनकी टीम मतलब कंपनी की टीम जिसके लिए आप या तो कवर लेटर लिख रहे हो या तो इंटरव्यू देने वाले हो वैल्यू जोड़ सकता है. आप अपने ही शब्दों में समझा सकते हैं कि आप नौकरी के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति क्यों हो. ये आपको ही समझाना पड़ेगा. उसके बाद एंथुजियाज्म. एक खुद लिखे प्रेरक कवर लेटर दिखाता है कि आप अपनी कंपनी की जरूरतों को समझने के लिए समय निकाला है. मतलब आपको उनके वेबसाइट में जाके या तो किसी से पूछ के वो कंपनी क्या चाहती है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, वो आप पढ़ें और वो आप उनको दिखा सकते हैं. ये व्यक्त करने का भी अवसर है कि आप इस भूमिका के लिए उत्साही है. इस भूमिका मतलब जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस भूमिका के लिए, और एम्प्लॉयर के लिए आप वैल्यूएबल हैं, ये आप प्रदर्शित कर सकते हैं. मतलब इमीडिएट वैल्यू, यूनिक फिट, पर्सनैलिटी एंड एंथुजियाज्म. संक्षिप्त में देखा जाए तो कवर लेटर आपको नौकरी यानी कि जॉब को टारगेट करने से विशिष्ट करके एम्प्लॉयर को रेज्यूमे आपने आपके कौशल यानी कि स्किल्स, गुणों यानी कि क्वालिटीज और अनुभव एक्सपीरियंसेस को एज अ पार्ट ऑफ बिग पिक्चर के रूप में विवरण करता है. और कवर लेटर अच्छा हो तो रेज्यूमे में ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कवर लेटर वह काम कर देता है. और मेरा अनुभव ये बताता है कि कोई भी भर्तीकर्ता यानी कि रिक्रूटर्स और एम्प्लॉयर्स पहले पत्र पढ़ते हैं. यदि वे संतुष्ट हैं तो रिज्यूमे पढ़ते हैं. टाइपिंग मिस्टेक, व्याकरण संबंधी त्रुटियों, सभी प्रकार की गलतियों से बचें. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कवर लेटर को कभी कभी इग्नोर करते हैं बच्चे. और कवर लेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है. और कवर लेटर वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट हैज़ गॉट इमीडिएट वैल्यू, यूनिक फिट एंड योर पर्सनैलिटी. इट शोज़ योर पर्सनैलिटी एंड शोज़ योर एंथुजियाज्म, हाउ मच यू हैव वर्क टूवर्ड्स इट. तो हम आगे बढ़ते हैं कवर लेटर के फॉर्मेट पे. कल हमने वीडियो वन में मतलब पार्ट वन में देखा कि कोई भी लेटर लिखे तो उसमें डेट, योर नेम मतलब डेट, एड्रेस, ये सब लिखा जाता है. कवर लेटर में भी आपको ऐसे लिखने का है.
सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, उसके बाद आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। अब फ़ोन नंबर की ज़रूरत क्या है, अगर वो चाहते हैं कि आपको फ़ोन से कांटेक्ट करें तो वो फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर वे चाहते हैं कि आपको ईमेल एड्रेस ईमेल से कांटेक्ट करें तो आपका ईमेल एड्रेस तब काम आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे एम्प्लॉयर का नाम, अगर आपके पास एम्प्लॉयर का नाम नहीं है तो आप टाइटल लिख सकते हैं। उसके बाद कंपनी का एड्रेस, स्टेट, सिटी, जिप कोड, जिप कोड का मतलब है पिन कोड। यदि आप कॉन्टैक्ट नेम नहीं पता, आपको अगर कॉन्टैक्ट नेम मतलब आप एम्प्लॉयर का नाम नहीं जानते या तो टाइटल भी नहीं जानते तो सैल्यूटेशन आप स्किप कर सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो डियर हायरिंग मैनेजर, या तो एचआर मैनेजर, या तो टू हुम सेवर इट्स इट मे कंसर्न। एक और लिख सकते हो डियर सर, डियर मैम। सजेशन तो यही है कि सैल्यूटेशन को कभी एम्प्टी नहीं रखना चाहिए, फिर भी सिचुएशन अगर ऐसा अराइज हुआ कि आपको सैल्यूटेशन एम्प्टी रखना पड़ा तो इट्स ओके। कभी कभी नाम से पता नहीं चलता है कि ये फीमेल है या मेल है, तो आप पूरा का पूरा नाम लिख लीजिए, उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, डियर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसे आप उनको संबोधित कर सकते हैं। अभी हम आते हैं बॉडी ऑफ कवर लेटर। जैसे कल हमने बताया, यहाँ पे भी तीन है, मिडिल पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ एंड फाइनल पैराग्राफ। आपके कवर लेटर से एम्प्लॉयर को पता चलता है कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वह डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए चुनना चाहिए कि नहीं। तो निम्नलिखित पैराग्राफ में अपने कवर लेटर को ऑर्गेनाइज करें, जैसे कि पार्ट वन। पार्ट वन मतलब ये पार्ट टू है, ये जो आप सुन रहे हो वो पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि लेटर के बॉडी के तीन भाग में विभाजन करने का मेरा सलाह है, उसी प्रकार यहाँ कवर लेटर को भी मैंने उसी प्रकार डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, यहाँ मेंशन करें आप क्यों ये पत्र लिखना चाहते हैं, आप जिस पद पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका उल्लेख करें, आपको ये नौकरी की सूची यानी कि जॉब लिस्टिंग जहाँ से या तो किस माध्यम से मिली वे भी यहाँ पे मेंशन करें। ये इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आपको ये पोजीशन, ये जॉब लिस्टिंग कहाँ से मिला वो मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये लोग डेटा रखते हैं कि इन्होंने इस पत्र में एडवर्टीजमेंट दिया, तो लोग ये पत्र ज़्यादा पढ़ते हैं, ये मैगज़ीन में एडवर्टीज़ किया या सोशल मीडिया से आपको मिला, ये सब वो डेटा कलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट उस हिसाब से वो करते हैं। तो आपका ये अगर आपने मेंशन किया है कि कहाँ से आपको ये जॉब लिस्टिंग मिला तो उनको अच्छा या तो काम में आएगा। मिडिल पैराग्राफ, आपके कवर पत्र के अगले भाग में यानी कि मिडिल पैराग्राफ ये वर्णन करना चाहिए व्हाट यू हैव टू ऑफर टू द एम्प्लॉयर, मतलब आप क्या देंगे। विशेष रूप से उल्लेख करें कि आपकी योग्यता उस नौकरी से मेल खाती है, मतलब आपके पास जो योग्यता है उस योग्यता जिस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ मेल खाती है, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और प्रूव करें कि आप सही कैंडिडेट हैं। याद रखें कि एक एम्प्लॉयर ये जानना चाहता है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, आपके स्किल से उन्हें क्या लाभ होगा, अपनी योग्यता मतलब आपके क्वालिफिकेशन और नौकरी की आवश्यकताओं मतलब जॉब रिक्वायरमेंट के बीच में कनेक्शन बनाएं। मिडिल पैराग्राफ में ये इम्पॉर्टेंट है जो मैंने लास्ट अभी बताया, अपनी योग्यता, अपनी क्वालिफिकेशन और नौकरी की आवश्यकता, जॉब रिक्वायरमेंट के बीच यहाँ पे आप कनेक्शन बना सकते हैं। फाइनल पैराग्राफ, यहाँ आप एम्प्लॉयर को धन्यवाद दें आपको इस पोजीशन के लिए कंसिडर करने के लिए, मतलब आपको या तो कॉल आया होगा या तो ईमेल आया होगा,
तो यहाँ पे आप थैंक यू बोलें, धन्यवाद दें। आप कैसे फॉलो अप करेंगे इसकी जानकारी यहाँ शामिल करें। आप उनको बता दीजिए कि आप या तो फ़ोन पे, या तो ईमेल से, या तो पर्सनली ऑफिस में आके इस इंटरव्यू का फॉलो अप आप करेंगे। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप सिंसियर रिस्पेक्टफुली योर्स सिग्नेचर, हैंड रिटन सिग्नेचर, अगर हार्ड कॉपी आप दे रहे हैं तो हैंड रिटन सिग्नेचर आप यह दे सकते हैं। यूजुअली कवर लेटर में हैंड रिटन सिग्नेचर यूजुअली हार्ड कवर में होता है, तो हैंड रिटन सिग्नेचर होगा। तो एक और बार कवर लेटर फॉर्मेट, आपका एड्रेस, एम्प्लॉयर का एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द कवर लेटर जिसको हमने तीन भाग में डिवाइड किया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर। तो आगे बढ़ते हैं कि अलग दूसरे दो प्रकार के एम्प्लॉयमेंट लेटर जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है थैंक यू या तो फॉलो अप लेटर, दूसरा है एक्सेप्टेंस लेटर। थैंक यू और फॉलो अप लेटर कब लिखा जाता है? इंटरव्यू के दो दिन अंदर थैंक यू या तो फॉलो अप लेटर भेजा जाता है। ईमेल अप्रोप्रिएट है, सुनिश्चित करें कि पत्र अच्छी तरह से लिखा गया है, ईमानदारी से लिखा हो और एरर फ्री हो। पत्र से सराहना मतलब अप्रिशिएट करें, आपको इंटरव्यू देने का अवसर मिला, आप नौकरी में रुचि रखते हैं, एक बयान शामिल करें ऐसा भी। बुलेट पॉइंट के उपयोग करके अपने योग्यता की सूची यानी कि लिस्ट बनाएं जो आपको एक ठोस उम्मीदवार उस पोजीशन के लिए बनाती है। अपने नॉलेज, कौशल या तो स्किल्स की क्षमताओं को एक और बार यहाँ आप बता सकते हैं अगर आपने इंटरव्यू के दौरान उल्लेख करना भूल गए हो तो। इंटरव्यूअर को अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक और बार धन्यवाद दें और जल्दी ही उनसे सुनने के लिए अपनी पूरी इच्छा व्यक्त करें। याद रखें, आप दो दिन के अंदर ये लेटर ऑफ थैंक यू या तो फॉलो अप लेटर लिखें, उसके बाद लिखने का कोई अर्थ नहीं है। अब आपको ऑफर लेटर आ चुका है। ऑफर लेटर आ जाने के बाद कंपनी को भी पता होना चाहिए कि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो या तो नहीं कर रहे हो। तो एक्सेप्टेंस लेटर, आपको ऑफर लेटर देने या मिलने के बाद आप इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर रहे हो या तो ऐसे जताने के लिए एक्सेप्टेंस लेटर लिखा जाता है। कुछ कंपनियां अपने प्री फॉर्मेटेड स्वीकृति पत्र रखते हैं, पहले पूछ लीजिए अगर उनके पास प्री फॉर्मेटेड है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप ये पद स्वीकार करने का निर्णय लेटर के माध्यम से दे सकते हो। एक्सेप्टेंस पत्र की पहली पंक्ति में आपके द्वारा स्वीकार किए जाने वाले स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब आप किस पोजीशन के लिए आपको ऑफर लेटर मिला है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे या तो उल्लेख करेंगे। अपनी प्रारंभ तिथि, आप कब ज्वाइन हो रहे हो उसका विवरण दें, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर एम्प्लॉयर ने किसी भी अतिरिक्त जानकारी मांगी है और कुछ जानकारी मांगी है तो वे यहाँ शामिल करें। पत्र में अगर पोजीशन के बारे में या लाभों के बारे में आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये ध्यान देना कि समापन में आप ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनने के लिए उत्सुक हैं ऐसा भी मेंशन करें। यू हैव टू फील प्राउड दैट यू आर गोइंग टू जॉइन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा फील उनको दें। अप्रोप्रिएट क्लोजिंग के साथ पत्र को बंद करें। तो हमने कवर लेटर का फॉर्मेट देखा, कवर लेटर कैसे लिखते हैं, इतना सब ध्यान में रखने का। उसके बाद आपको थैंक यू लेटर लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, उसमें क्या इंक्लूड करते हैं वो हमने डिस्कस किया। आपको जॉब मिल गई तो एक्सेप्टेंस लेटर कैसे में क्या लिखते हैं वो हमने दिखाया। बाकी सभी पत्र में से कंप्लेन लेटर हम यहाँ पे चुनने वाले हैं। कंप्लेन लेटर हमने इसलिए चुना क्योंकि कभी कभी वर्बली
कहने से ना सुनने पर भी हम पागल हो जाते हैं वैसे तो, पर पागल नहीं होना है तो कंप्लेन लेटर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमने उसके ऊपर फोकस किया हुआ है। कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा जब कंप्लेन लेटर आप लिखते हो, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लेन लेटर के बारे में देख लेते हैं। ये भी एक लेटर ही है, उसका नाम कंप्लेन लेटर है। आप डेट, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, हर चीज़ लिखेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम एंड आउटकम यू वांट, प्रॉब्लम एंड आउटकम यू वांट, अपनी समस्या और इच्छित परिणाम का वर्णन करें। इंक्लूड की डेट्स सच एज व्हेन यू परचेज द गुड्स और सर्विसेज एंड व्हेन द प्रॉब्लम अकर्ड, मुख्य तिथियों का शामिल करें, जैसे आपने सामान या सर्विस कब खरीदी थी और कब ये समस्या हुई। Identify what action you have already taken to fix the problem and what you will do if you and the seller cannot resolve the problem. आपने समस्या को हल करने के लिए क्या किया और यदि सेलर समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो आप आगे क्या करेंगे, वो भी मेंशन कर सकते हैं। Ask for a response within a reasonable time. Reasonable time पर जवाब मिले ऐसा व्यक्त करें, मतलब जब आप लेटर लिखोगे उसमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि इस तारीख को मुझे जवाब चाहिए। अटैच अ कॉपी ऑफ एनी सपोर्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन सच एज रिसीट और इनवॉइस, रसीद या चलान जैसे किसी भी रिलेवेंट दस्तावेज का कॉपी अटैच करें। तो कंप्लेन लेटर अगर जब आप लिख रहे हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम और आउटकम के बारे में लिखें, कब खरीदा, कब प्रॉब्लम हुआ वो लिखें, आपने अगर उन्होंने आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं किया तो आप क्या करेंगे वो भी बता दीजिए, कब कब रिस्पॉन्स चाहिए वो भी बता दीजिए, और रेलेवेंट रसीद भी उसके साथ अटैच करें। अब हम देखते हैं एक सैम्पल कवर कंप्लेन लेटर। अगेन मैंने बोला कि कंप्लेन लेटर है पर इट इज़ अ लेटर, सो प्लीज़ राइट डेट, फ्रॉम, टू, ठीक है। तो हम सैल्यूटेशन से शुरू करते हैं। कीर्ति पटेल ने टेलीविजन कैबिनेट परचेज किया था, कहाँ से परचेज किया था, 80 फर्नीचर वर्ल्ड में से। लेटर फॉर्मेट फॉलो करने का है, डेट, टू, फ्रॉम लिखने के बाद हमने लिखा है डियर मैनेजर, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कंप्लेन अबाउट फॉल्टी टेलीविजन कैबिनेट, लंबा चौड़ा सब्जेक्ट नहीं है। आई एम अनहैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ अ टेलीविजन कैबिनेट आई बॉट एट फर्नीचर वर्ल्ड सेक्टर 21 विश्वकर्मा शॉपिंग सेंटर ऑन 15th डिसम्बर एंड आई एम राइटिंग टू सीक अ रिप्लेसमेंट। हम थोड़ा पीछे जाते हैं और यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम एंड द आउटकम यू वॉन्ट, तो यहाँ पे आपने लिखा है प्रॉब्लम और आप क्या चाहते हैं, रिप्लेसमेंट चाहते हैं। द कैबिनेट डोर्स डू नॉट ओपन एंड शट प्रॉपरली, देर आर मैनी स्टेन्स ऑन द कैबिनेट, सम आर डार्क, सम आर लाइट, द कैबिनेट वॉज डिलीवर्ड ऑन 30th डिसम्बर एंड आई नोटिस दिस प्रॉब्लम एज सून एज आई अनपैक्ड इट फ्रॉम द बॉक्स। आप यहाँ पे विस्तृत में लिख रहे हैं कि उसका क्या प्रॉब्लम है। Cabinet is not of acceptable quality and does not match the sample cabinet I was shown in the store. ये हमारे साथ होता है, sample हमें अच्छा बताते हैं जब घर पर आते हो तो कुछ और ही होता है। I would like to replace it with one of the same quality and finish. मुझे quality और finish sample जैसा ही चाहिए, as the sample and arrange for return of the faulty cabinet at no cost. हमने specify कर दिया कि हम जब आप replace करने के लिए आओगे तो आप transportation का cost नहीं दोगे। I have attached a photocopy of my receipt as proof of purchase. I would like to have this problem fixed quickly, please. If I do not hear from you,
within 10 days I will lodge a complaint with customer department. मतलब अगर 10 दिन के अंदर ये लेटर उनको मिलने के 10 दिन के अंदर अगर आपको कोई जवाब नहीं आया तो आप क्या करेंगे वो भी आपने उनको बता दिया. You can contact me on this number during working hours or after working hours this number to discuss this matter further. यहाँ पे दो, एक वर्किंग आवर का फ़ोन नंबर और आफ्टर वर्किंग आवर का फ़ोन नंबर इसलिए दिया है कभी कभी वर्किंग आवर के बाद ये फ़ोन नंबर नहीं चलता है इसलिए ऐसा नंबर दिया हुआ है. हम क्लोज कर रहे हैं. योर्स सिंसियरली कीर्ति पटेल. और अटैच क्या किया है, इनक्लोज्ड कॉपी ऑफ द रिसीट फॉर टेलीविजन कैबिनेट. तो हमने देखा कि हमने प्रॉब्लम और आउटकम डिस्क्राइब किया है, की डेट्स मेंशन किया है, आप क्या करेंगे वो भी बता दिया है, रिस्पॉन्स कब चाहिए वो भी बता दिया है, और सपोर्टिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन वो भी हमने यहाँ पे बता दिया है. यहाँ हमारा चैप्टर 9 ख़त्म होता है. हमारी कोशिश ऑनलाइन पढ़ाने की आपकी आपको अच्छी लगी होगी. आप अपना ख्याल रखें. अगर आपको प्रश्न है तो आप मुझे ईमेल करें chiefcoordinator@ldrp.ac.in या तो व्हाट्सएप करें या तो वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसमें भी आप पूछ सकते हैं. अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, ब्रांच एंड डिवीजन लिखिए और 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दिया जाएगा. So, my dear students, happy learning and take care of yourself. Thank you very much.